आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हेलो। 2019 का जो अप्लाई निकला है, हाँ वैकेंसी अप्लाई, भाई, उसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक बिल्कुल है, किसी भी चीज़ का अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी जानना होगा, क्या फीस पेमेंट वो जान लेना होगा। बस ठीक और है, आपका ताकि बस आपको बाद में किसी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, पूरी तरह दिया गया है पहले बिहार, आ रहा ठीक था है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड कॉल ऑफ कांस्टेबल। नहीं ठीक उठाए है, तो तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको देख कॉल फॉरवर्ड कॉल इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड डेट दिखा दिख रहा रहा है। है, मतलब इम्पोर्टेंट किस डाट को। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ, कर 5 अक्टूबर 2019 से, और ये इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट है 4 नवंबर 2019। 5 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद फी कैटेगरी यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप जनरल ओबीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ₹450 पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, SC ST जाति से आते हैं, तो अभी आपको सिर्फ आएगा। ₹112 पेमेंट करना होगा। जो कि पेमेंट मोड आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। आपका और हाँ यहाँ पे एज प्लीज लिमिट जो यहाँ पे दिया गया है, लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, यानी कि यहाँ कह रहा है 1/8/19 को आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एलिजिबिलिटी जो, यानी कि आपके आप 12th पास, 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ कंडीशन, आपको 12 पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट का दिया हेलो, गया कि जनरल में कितना सीट है, ABC में, OBC में, सारा चीज़ में यहाँ पे अलग अलग दिया गया। और इरफान यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल जो दिया गया है, यहाँ पे क्या सोनू, हाइट है, उस यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है विस्तार से। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है, फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया, अगर आप मेल है तो आपको 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा, अगर आप फीमेल है तो 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा। अगर आप पॉसिबल आपको लगता है तब आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझ गए कि मैट्रिक कम से कम 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इतना दौड़ सकते हैं तो 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, तब आप यहाँ पे फिल अप कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट जो 450 लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सब समझ गए। अब चलिए अप्लाई किस तरह करते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म वगैरह सारा फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस, मतलब अप्लीकेशन हो चुका है सबमिटेड, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो चलिए आप बताते हैं किस तरह आप कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, किस लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, यहाँ पे कांस्टेबल पहले से ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज इंटर फुल नेम, तो यहाँ पे फुल नेम इंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट नेम होगा वो इंटर करना होगा, और यहाँ पे जो भी लास्ट सेकेंड नेम है सेकेंड नेम दे सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिटेल भरी है, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप इंडियन हैं तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर देने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी ईमेल एड्रेस आपका होगा वो आप ईमेल एड्रेस दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए कि ईमेल एड्रेस टोटल कैपिटल में ले रहा है, तो आप कैपिटल में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैंने ईमेल एड्रेस भी इंटर कर, उसके बाद पूछ रहा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद क्या होम ग्राउंड ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे दोनों में आपको, अगर बिहार के आप हैं, ठीक है, तो दोनों में आपको एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बिहार के रहने वाले, तो यस कर देंगे। उसके बाद पूछा क्या आप होम गार्ड हैं बिहार के, तो यस या नो कर देंगे, यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा सेलेक्ट टू कैटेगरी, आप किस जाति के आते हैं, जनरल, EWS, EBC, तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट ये जनरल में आता है, लेकिन EWS जब सर्टिफिकेट इनका बन गया तो ये EWS में आने लगा, EWS वाला को आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो
EWS में सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका जाति हो, ठीक है, जनरल एबीसी ओबीसी जो भी हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा वही डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको देना होगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पूरी चीज़ आपको दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया डिटेल उसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे ताकि दिक्कत ना करना पड़े आगे, ठीक है। और इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे EWS देख लीजिए, एक ग्यारह अच्छी, ठीक है। तो ये तरह चीज सही मेरा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन है, प्रोसीड बटन में क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल आ जाए, जो आपके द्वारा भरा गया डिटेल है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके द्वारा जो भरा गया डिटेल वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके द्वारा दिया गया डिटेल सारा चीज सही है तो इसमें टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। जो भी कैप्चर होगा सबको अलग अलग कैप्चर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट टू बी पेड 450 EWS से भरा ये बंदा तो 450 लगेगा, अगर जनरल में भरता फिर भी 450 लगता, ठीक है। जिसका जो कैटेगरी है वो उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये भी यहाँ पे आपको इस तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट करना है, ठीक है। अगर कुछ गलत है तो आपको एडिट एप्लीकेशन करना है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन में ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके पूछ रहा है कि आपके द्वारा वेरीफाई है डिटेल, ओके कर देंगे। तो आपको ये पेमेंट पेज पे ले आएगा। तो यहाँ से आप जिससे करना चाहे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको रसीद मिलेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म, तो क्लिक हेयर करेंगे, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो आपको यहाँ देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर मैं एक बार वेरीफाई करवा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ फिर से डेट ऑफ बर्थ, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलता है पेमेंट कर जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप यहाँ तब मोबाइल नंबर से आप यहाँ कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर दे, डेट ऑफ बर्थ दे दी, उसके बाद जो भी कैप्चर है BLMC, ठीक है, इस कैप्चर को आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ कह रहा है कि मतलब ये इसका पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर पेमेंट फेल्ड, पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट फेल्ड है, इसको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए मैंने पेमेंट नहीं किया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपको पेमेंट कर लेना है, पेमेंट कर रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर कोई एक चीज़ दे सकते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे, कैप्चर देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको पूरी तरह भरना है, ठीक है। और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ किस तरह फॉर्म फिलअप करते हैं, मैं इस अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी जो कैंडिडेट का मतलब फिलअप कर रहा हूँ वो अप्लाई नहीं करना चाहता है। सिर्फ मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए इतना प्रोसेस किया हूँ, ठीक है। अब जिसका भी मैं करूँगा, ठीक है, तो उसका मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा कि इस तरह आप रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो समझ गए होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ दिक्कत है कि मतलब फॉर्म भरने से पहले पेमेंट लिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए पेमेंट। अब देखिए जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनसे काम करना होगा। तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना है, फिर से उसके बाद यहाँ पे आ जाना जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को आप फिर फिलअप कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सुविधा देने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में छोटी सी जानकारी आपको सही से समझा पाया होगा। अगर समझा पाया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।